ओडिशा झारखंड सीमा के पास भारतीय वायुसेना हॉक ट्रेन और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। एक भारतीय वायुसेना के ट्रेन जेट मंगलवार को ओडिशा झारखंड सीमा के निकट झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के महुलदांगरी गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान का पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे पास के एक अस्पताल में ले जाया गया है। हॉक एयरक्राफ्ट खरागपुर में कलाकुंडा वायुसेना स्टेशन से दूर हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा, स्थानीय समाचार पत्रों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान लगभग 12:45 बजे ओडिशा झारखंड सीमा पर सुबारखा नदी के पास गिर गया। ओडिशा सन टाइम्स ने रिपोर्ट में बताया कि पायलट समय पर बेदखल करने में कामयाब रहा, लेकिन गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बहादुरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए पहुंचे। दुर्घटना के पीछे कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। कहानी के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। पिछले महीने 15 फरवरी को असम में मजुली विमान दुर्घटना में दो वायुसेना के पायलटों की मौत हो गई थी। माइक्रोलाइट वायरस SW-80 को एक नियमित रूप से उड़ान भरने के लिए वायुसेना स्टेशन जोरहाट से हवाई मिलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलटों ने एक आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास किया, लेकिन विमान के उत्तरी भाग में एक रेत बार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग में लगी।